आज हम बनाने जा रहे हैं पत्तल यानी परवल और आलू की भुजिया। हमने कढ़ाई रख लिया है, तेल भी गर्म होने ही वाला है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरा का फ़ौरन डालेंगे इसमें, क्योंकि जीरा डालने से थोड़ा स्वाद अच्छा लगता है। तो हम इसमें जीरा डालेंगे। उसके बाद हम मिर्ची डालेंगे। जीरा को भून जाने के बाद हम मिर्ची डाल के ही डालेंगे। उसके बाद ही हम आलू डालेंगे इसके परवल की बात। जो हमने गोल गोल काटे हुए परवल को लंबे लंबे भून काटे हैं। हम आलू भी गोल गोल काट सकते हैं और काटते भी हैं, लेकिन जो थोड़ा बड़ा आलू होता है इसको हम गोल गोल नहीं काटते हैं। छोटा आलू बिल्कुल छोटा जो रहता है उसको हम गोल गोल काटते हैं। उसे तो बहुत ही अच्छा लगता है। हल्का इसका जो पानी मर जाएगा पत्तल का, उसके बाद ही हम आलू इसमें डालेंगे। आज हम बनाएंगे पत्तल आलू की भुजिया। पत्तल आलू की भुजिया इसका अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए हमने पत्तल काटा है और साथ में भुजिया भी काटा है आलू की। अब हमारा ये पानी मर चुका है पत्तल की, अब हम इसमें आलू डालेंगे। आलू डाल के जब हमने तेल थोड़ा ज़्यादा डाला है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि तेल में ही भुजिया थोड़ा अच्छा लगता है। भुजिया का तो तेल ही नहीं, इसलिए तेल थोड़ा हम ज़्यादा डालते हैं। एकदम ज़्यादा ढकेंगे नहीं, थोड़ा कट करके ही ढकेंगे, क्योंकि इसमें जो ढकने से भाप हो जाता है तो वही सूखने लगते हैं। ज़्यादा सूख जाते हैं, हल्का हल्का सूखता है। अगर हम ढक्कन को उठाए रखे तो आराम से सूखते हैं, हल्का हल्का ढक के रखे तो ज़्यादा भाप बनता है तो कुरकुरे नहीं बन पाते। अभी हमारा भुजिया हल्का हल्का भुजा चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालेंगे और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और हम जीरा पाउडर जरूर डालेंगे, इसलिए जीरा को हम ज़्यादा करके जीरा डालेंगे। फर्स्ट टेस्ट उसका बढ़ जाता है। और हम अपना नमक भी डाल देंगे। ऐसे तो मुझे खाना नहीं है, हमने 9 दिन का व्रत किया है, तो मुझे खाना नहीं है। बच्चे लोग खाएंगे, मेरे के लिए बना रही हूँ। अब ये हमारा भुजिया बनकर बिल्कुल ही तैयार हो गई है, देख सकते हैं। अब ये हमारा भुजिया अच्छा से भुना गया है, देखिए बिल्कुल ही लाल लाल दिख रहा है। तो ये हमने जो बनाई है पत्तल, देखिए पत्तल भी बहुत ही मैंने अच्छा दिख रहा है टेस्ट को। और ये हमारा भुजिया बनकर बिल्कुल ही तैयार हो चुका है।